अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हाँ तुहाडा अपना देसी। तो अज की वीडियो जी स्पेशल स्पेन इमीग्रेशन खो रहा या नहीं खो रहा उस दे बारे मैं तुम्हें दस जा रहा। तो काफ़ी वीडियो भी मैं तुम्हें दस चुका भी स्पेन की इमीग्रेशन तो सू समझ लो कि 24 घंटे खुली है। तो किस तरह आ सकते हो तुम, 7 दिन खुली है, हर टाइम खुली है, पूरा साल खुली है, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं कि तुम अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, 3 साल पूरे करने, इन्हों के लैंग्वेज सर्टिफिकेट इन्हों लाने, अपना करैक्टिव सर्टिफिकेट पाकिस्तान तो मंगाना है या तुम जिथे भी है उत्थे का मंगा के, तो तुम जरा उन्हों जितनी भी मतलब छोटी मोटी रिक्वायरमेंटा ने पूरी करोगे तो तुम पेपर लै सकते हो। बाकी अगर तुम सुन रहे हो भी जनवरी 2020 कोई इमीग्रेशन खुल रही है या फिर उन्होंने वास्ते जिन्होंने इतने आसी लो असाइलम से असी स्टे अप्लाई की है उन्होंने वास्ते कोई स्पेशल कुछ कर रहे हैं, तो वह ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, सब अफवाहां लोगों दी गल्लां। अजकल काफ़ी एजेंट जड़े एक्टिव होए इस चीज़ वास्ते भाई लोगों को पैसे बटोर रहे भाई इमीग्रेशन खुलेगी तो असी तुहाडे जड़ा पेपर बनवावांगे, तुसी फिल वक्त सानू इतने पैसे दे दौ, तो उस तो बाद जड़ा जैसी इमीग्रेशन खुलेगी असी तुहाडे पेपर जड़े जड़ा वो असी अंबैसी भी जमा करवा देंगे या जिथे भी फॉरन ऑफिस जिथे भी मतलब इतने इन्हों का इदारा जड़ा उन्हें भी जमा करा देंगे। लेकिन ऐसी वैसी कोई गल नहीं है, मैं तुहानू बिल्कुल साफ तो सीधी गल दस रहा, जितनी भी यूट्यूब तो इस टाइम के वीडियो बनी हैं जनवरी में मिड में या जनवरी के एंड तो नहीं कोई इमीग्रेशन खुल रही है स्पेन में, तो ऐसी वैसी कोई गल नहीं है। इमीग्रेशन स्पेन यूरोप में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो 3 साल बाद पेपर देवे। इमीग्रेशन इटली में खुलती सी, उन्होंने भी काफ़ी दिन मतलब अरसे तो बंद की है, लेकिन स्पेन जड़ा उन्हें यही रूल रखे है 3 साल बाद अपना पेपर अप्लाई कर सकते हो। एक किस्म की इन्हों की इमीग्रेशन 24 घंटे खुली है, सिर्फ तुम अपना 3 साल पूरे करने, उन्हें दिया रिक्वायरमेंटा जितनिया भी छोटिया मोटिया सर्टिफिकेट वगैरह मेडिकल सर्टिफिकेट जो कुछ भी इन्हों की छोटी मोटी रिक्वायरमेंट ये तुम पूरी करोगे तो तुम्हें पेपर मिलने। अदरवाइज तुम आखोगे भी तुम अज आए हो तो कल जाकर तुम जाके जमा करवा दोगे इमीग्रेशन खुले खुल जाएगी, तो ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है, ना ये नॉर्मल केसा वास्ती है तो ना ही जड़ा वो असाइलम असीलो वाले केसा वास्ती है। इस वास्ते जेडे एजेंट बने उन्हों तू थोड़ा जहा मोहतात होकर रवो, इन्हों तू एहतियात वरतो, इन्हों पैसे ना दो फजूल अपने, तुसी पैसे जाया कर दो मुड़ तो सू पैसे वो लभने को नहीं, फिर तुसी पिछे फिर के उतने बंदे मतलब पैसा जरा उस डबल लग जाना तो सू अपने पैसे वापस लाने दो। तो इस वास्ती ब्राए मेहरबानी अपना जड़ा वो पैसा जाया ना करो, जितनी भी इनफोरमेशन है मैं तो करैक्ट दे रहा इतने, तुसी बेशक मेरे नाल राबता कर सकते हो, मेरे नंबर तुहानू लिंक विच मिल जाएंगे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा इंस्टा, मेरा ट्विटर, मेरा हर ईमो का अकाउंट है जड़ा व्हाट्सएप का नंबर दोनों तुहानू सब कुछ जड़ा वो मेरी इत मिल जाएगा तुहानू डिस्क्रिप्शन विच, ते बराए मेहरबानी तुसी मेरे नाल राबता करो। मैं वो गल करदा जिहड़ी सीधी सीधी होवे, तो काफ़ी लोगों के मेरे अल मैसेज आ रहे हैं तुस दसो भी इमीग्रेशन खो रही है खो रही है खो रही है खो रही है, मैं बिल्कुल तो उन्हों साफ सुथरी गल दसना पाया कोई इमीग्रेशन नहीं खुलनी, इतने इमीग्रेशन 24 घंटे खुली है, उस वास्ते रूल तो उन्होंने मैं दस दिता भी तुम अपने 3 साल रजिस्ट्रेशन करवानी है, उस तो बाद अपने पेपर अप्लाई कर सकते हो, एक किस्म की इमीग्रेशन नहीं है। दुआओं च याद रखियो, कोई गल बुरी लगी हो या मैं कोई गलत बोल देता हो तो उस वास्ते मैं माफ़ी चाहना, तो प्लीज़ प्लीज़ अपने पैसे जड़े ने सेव करके रखो, आने वाले 3 साल रजिस्ट्रेशन करवा के ये पैसे तुसी उस टाइम ते लाओ, तो ठीक जगह ते लाओ, कॉन्ट्रैक्ट भी जिल्ला लेना है उरा अच्छा जहा कोई कंपनी किसी को वकील को चेक करवा के फिर लवो, तो उस तो बाद जड़ा वो जाके अपने पेपर जमा कराओ, क्योंकि अगर एक बार रिजेक्ट होने तो 6 महीने कम अज़ कम 6 महीने ज़ाया हो जाने। इस वास्ते बराए मेहरबानी जो कुछ भी है वो सोच समझ के करो, तो कुछ करन तो पहला जड़ा स्पेन में जिस तरह मैं रह रहा इस तरह मशवरा ले लो। अल्लाह हाफिज़।